नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंजीनियर स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त मनीतोष मात्र। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कंपनी ने अपना क्वार्टर फोर का नंबर अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्लोज किया है BSE की वेबसाइट पर। तो चलिए देखते हैं बेसिकली रिजल्ट के अंदर क्या है, क्योंकि मार्केट को बहुत ज़्यादा इस क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी शेयर के अंदर, क्योंकि सभी को लगता था कि शेयर के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा इस रिजल्ट के बाद। चलिए देखते हैं बेसिकली क्या है। ये डाटा मिलियंस में दिया हुआ है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,644 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 10,166 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। जी हाँ, तो देखा जाए तो कंपनी पिछले क्वार्टर के मुकाबले एक अच्छी खासी जंप दिखाई है अपने क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। अब पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल भी कंपनी ने 9,530 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था, तो उसके हिसाब से भी देखें तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है शेयर के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर दोनों। ओवरऑल देखते हैं क्या बन गया है, क्योंकि कंपनी पिछले कई क्वार्टर से लॉस पे लॉस देती आ रही है। तो देखते हैं बेसिकली इस क्वार्टर में क्या बन गया है। तो इस पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया था, 7,188 करोड़ का कंपनी ने लॉस दिखाया था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का लॉस थोड़ा सा घट के 6,461 करोड़ का लॉस बन गया है। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा लॉस के अंदर एक कमी देखने को मिली है, 10% के आसपास की गिरावट है, लेकिन वोडाफोन आइडिया जैसे शेयरों के लिए ये बहुत बड़ी गिरावट है। और जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल भी देखें तो 7,026 करोड़ का कंपनी का लॉस था, तो उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि कंपनी ने अपना परफॉर्मेंस सुधारा है, रिवेन्यू में जंप दिखाई है कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर और साल दर साल दोनों, और साथ में प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि शेयर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है ऐसे रिजल्ट के बाद, क्योंकि शेयर ऑलरेडी अभी ऊपर के लेवल से बहुत नीचे चल रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 8.70 रुपये के आसपास शेयर का क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है कि इस शेयर के ऊपर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, 50% डिस्काउंट पर चल रहा है अभी शेयर, 52 भी खाई से, तो मुझे लगता है कि एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास शेयर है तो बने रहना चाहिए, इस लेवल से बेचना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी बात होगी, बेवकूफ़ी होगी इस लेवल से बेचना, बस यही बताना चाहूँगा। और साथ में बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि शेयर को बेचना नहीं है, शेयर को होल्ड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।